हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके सामने जो स्टाफ नर्स की, आपके जो क्वालिफाई हो चुके हैं 10 तारीख का रिजल्ट आया था, जिसमें जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई हो चुके हैं, इन्हें पास हो चुके हैं, उन्हें प्रेफरेंस फिल करनी है कैटेगरी नंबर 10 और 19 के लिए। वो फिल हम कैसे करेंगे कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कैरियर करेंसिस में सभी स्वागत है। जैसा कि स्टाफ नर्स 15/2019 के अनुसार जो एडवर्टाइजमेंट है, उनकी ज्वाइनिंग होनी है अब प्रेफरेंस फिल करने के बाद में। ये कंप्लीट पूरी जानकारी हम देखेंगे हिंदी में, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ले रखा हमने स्क्रीनशॉट, यहाँ पर देख सकते हैं फिल प्रेफरेंस। आपको यहाँ से अपनी प्रेफरेंस है वो फिल करनी होगी, ठीक है, और प्रिंट भी निकालना है तो यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल पाएंगे। यदि आपके पास रोल नंबर पासवर्ड नहीं है तो वो भी यहाँ से हम कर पाएंगे, कंप्लीट इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, गूगल से बताऊँगा देखकर कैसे हम कर सकते हैं। मैं आपको गूगल के होम पेज पे ले चलकर उसके स्टेप बाय शुरू से दिखाऊंगा, ठीक है। यदि आपको क्वालिफाई हो चुका है स्टाफ नर्स का पेपर तो आपके लिए वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करें। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होंगे, मैंने गूगल का होम पेज ओपन कर लिया है। आप भी अपने गूगल क्रोम, ओपेरा, मोजिला किसी में भी ओपन कर सकते हैं, इस तरह का पेज आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको लिख देने का छोटी सी बात ADVT, ठीक है, और उसके बाद में 15, ठीक है, और यहाँ पर आपको स्लैश लगाना होगा यहाँ पर इस तरह से, और उसके बाद में 2019 लिख देना, फिर यहाँ पर सर्च कर लेना। जैसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रॉल बार ऊपर करना, ऊपर करने के बाद में आपको फर्स्ट लाइन देखने को मिल जाएगी, अप्लाई ऑनलाइन जॉब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट पोर्टल। ये साइट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑटोमेटिकली आपको वहीं ले जाएगी जहाँ पर आपको प्रेफरेंस फिल करनी है। आप अपने मोबाइल से भी, लैपटॉप से भी, पीसी से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कहाँ मिलेगा इसका लिंक भी, ठीक है। यहाँ से आपको जैसे यहाँ पर आपको ओपन करना होगा, फर्स्ट लाइन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। क्लिक है टू फिल द प्रेफरेंस अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019 फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स कैटेगरी नंबर 10 एंड स्टाफ नर्स कैटेगरी नंबर 19। ये आपको प्रेफरेंस फिल में करनी होगी। जैसे हम यहाँ पर प्रेस करेंगे उसके बाद में इस तरह का होम पेज आपके सामने इंटरफेस देखने को मिल जाता है। इसकी लास्ट डेट के बारे में बात करें तो इसकी लास्ट डेट होगी 14 अप्रैल, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है आज से शुरू हुआ है 12 अप्रैल से, ठीक है ना। 14 अप्रैल का टाइम दिया गया है शाम को 5 बजे से पहले पहले, ठीक है। यहाँ पर आपको कंप्लीट इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, और आपको कोई भी फिर भी कोई डाउट हो तो डिपार्टमेंट के ये टोल फ्री, जैसा कि मैंने आपको बताया इसके टोल फ्री के नंबर के बारे में, यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको टोल फ्री नंबर, ठीक है। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया था कि आपके पास प्रेफरेंस भरने से पहले यदि आपके पास रोल नंबर नहीं है, आपके पास पासवर्ड नहीं है तो क्या करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड। यहाँ पर आपको जैसे इंटरफेस प्रेस करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा क्या क्या, यहाँ पर देख सकते हैं फॉरगॉट पासवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको जिस कैंडिडेट का नाम से है उस कैंडिडेट का पूरा नाम टाइप करें, उसके पिताजी का, माताजी का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यानी मोबाइल नंबर है वो ऑप्शनल है, यदि वो भरना चाहें तो भर सकते हैं, यदि नहीं भरना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, शो कर देंगे, शो करने के बाद में आपको दिखा देगा, ठीक है। दिखाने के बाद में यहाँ पर आपको पासवर्ड भी दिखा देगा, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा दिखा देता हूँ किसी स्टूडेंट का, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको टाइप करके दिखाऊँगा। तो गाइस, जैसा कि मैंने यहाँ पर फॉरगॉट करने के बाद में इस तरह की आपको इस तरह की इंटरफेस लाइन देखने को मिल जाती है, ठीक है। जैसा कि मैंने इसके रोल नंबर छुपा दिए हैं, ठीक है, और आपको यहाँ पर नाम भी देखने को मिल जाएगा कैंडिडेट का, और बाकी की मैंने कुछ ये डिटेल छुपा दी है क्योंकि ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है, इसी वजह से, ताकि कोई दिक्कत ना हो कैंडिडेट को, इस वजह से मैंने छुपा दिया है, ठीक है। अब मैं अब इसकी होम पेज भी आपको ले चल के वहाँ पर आपको दिखाऊँगा कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। अब इसकी होम पेज में हम पहुँच जाते हैं यहीं पर, ठीक है। यहाँ पर आपको फिल करना होगा, ठीक है, क्या क्या करेंगे उसके लिए, आपको रोल नंबर चाहिएगा, फिर उसका पासवर्ड, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वहाँ बताया था पासवर्ड के बारे में, ठीक है। यदि वहाँ से पासवर्ड कर सकते हैं फॉरगॉट, या फिर यहाँ से भी आप फॉरगॉट पासवर्ड कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस होगी, ठीक है। जैसे आप रोल नंबर पासवर्ड फिल करेंगे उसके बाद में हम सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद में अगली स्टेप होगी हमारी, वो ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद में आपको चॉइस करके फिल करके वो भी दिखा देता हूँ उसमें,
तो गए जैसे कि मैंने पासवर्ड और रोल नंबर यानी फिल करने के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ये ओपन होने के बाद मैंने जो चॉइस फिल करी है यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 10 फिर कैटेगरी नंबर 19 ये जो मैंने कैप्चा फिल कर दिया है उसके बाद में प्रोसीड कर दिया है। प्रोसीड करने के बाद में क्या होगा अगले स्टेप में आपको क्या करना होगा वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे कि मैं अगले स्टेप ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह की अगली स्टेप आपके सामने ओपन हो जाएगी प्रिंट दिस पेज के लिए। ठीक है, आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कंप्लीट फिर प्रेफरेंस फिल करने के बाद में, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट दिस पेज यानी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको ये प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना होगा। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाइड जो भी आपकी डिटेल होगी उससे मैं आपको ये प्रिंट आउट की सख्त जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इस तरह अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिंक के बारे में बात करें तो मैंने आपको शुरू से बताया है गूगल से आप साइट ओपन करने के बारे में, फिर भी आपसे ओपन नहीं होती है तो हमारे चैनल की मेरी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से अपना प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।